अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश और आबाद होंगे इंशाल्लाह अपने अपने घरों में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कपड़े धोए हैं और कपड़े सुखाने के लिए बाहर आई हूँ। अच्छा, तो किसी बहन ने बोला था कि आपका तो पूरा दिन जाता है कपड़े धोने में और सुखाने में। तो मैं उस बहन को बोलना चाहती हूँ, जैसे हम रोज़ाना खाना बनाते हैं वो बहुत ज़रूरी है, रोज़ाना साफ़ सफाई वो भी बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से रोज़ाना कपड़े धोना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं रोज़ाना कपड़े दो बार नहीं धोऊंगी ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैंने कुछ काम ही नहीं किया, घर में कुछ साफ़ सफाई ही नहीं हुई। तो ऐसे नहीं चलेगा, ना 3 दिन में ना हफ्ते में, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे तो कपड़े रोज़ाना ही धुलते हैं, तो इसलिए मेरा दिन तो खैर जाता नहीं है कपड़े धोने में और सुखाने में। मेरा पूरा दिन जाता है कुकिंग में, बच्चों को देखभाल, उनको खाना खिलाना, कुछ थोड़ी देर मैं अपना भी प्रोग्राम देखती हूँ, थोड़ी देर कुरान वगैरह भी रीडिंग हो जाता है, और फिर उसके बाद जो मेरी हेल्पर है बाबली, तो बाबली के साथ थोड़ा सा ना काम भी हो जाता है, साथ साथ मिलके करते हैं। आप जो भी बहन हो, तो आपका देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप इतने प्यारे कमेंट करती है उसके लिए भी शुक्रिया। आप भी रोज़ाना कपड़े धोया करें, बहुत अच्छी बात है। साफ़ सफाई करना, कपड़े धोना रोज़ाना, वो बहुत अच्छी बात है। खैर, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बास्केट भरा हुआ निकाला मैंने कपड़ों से। बहुत दिन बाद ना मैंने इनको वॉश किया है, ये ना हमारे डाइनिंग टेबल पे होते हैं। कुछ ना हमारे ये होते हैं डाइनिंग टेबल पे, एक तो ये है, ये कपड़े पे है सेम साइज के, और ये है ना प्लास्टिक के, और कुछ ना इसमें गोल्डन कलर की ना तार बीच में डाली हुई है, ये देखें बहुत खूबसूरत लगता है ना। इसमें डाइनिंग टेबल पे रखते हैं ना इसको प्लेट के नीचे, तो इनको भी हमने कल धोया था। बेबू जी जरा इसको पकड़ो बेबा, ख्याल किए मगर बुझे। यहाँ पर भी देखो कीड़े, लेमन के पेड़ में यहाँ पे भी कीड़े, तो मतलब इसको ना मैंने अभी कोई स्प्रे नहीं किया, बिल्कुल भी कोई दवाई केमिकल वगैरह मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। नीम ऑयल होता है ना, नीम ऑयल को मैं अब पानी में डाल के और फिर इसको ना स्प्रे करूँगी, या तो वो, या एक वो आता है ना काला शैम्पू पानी में मिला के हम उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी सारे कीड़े जो है ना फल के या फिर सब्जियों के पौधे हो उनमें से ना सारे कीड़े चले जाते हैं। अभी ना मेरे एक और लॉन्ड्री भर गई है, मतलब जो हम 3-4 लोगों की हैं, ये तो सिर्फ बेटे के कमरे से मैंने ली है ये वाली लॉन्ड्री आज, तो अभी एक और भी भर दी, अभी उसको भी वॉश करना है और कपड़े धोने। तो अब एसी वाले भैया आ गए, तो उन्होंने ना ऑटर को नीचे उतार के ना इसकी पाइप वगैरह सारी ठीक कर दी, और ये देखिए कितना गंद मच गया फिर से। अब इधर करेंगे झाड़ू डस्टिंग वगैरह, और अंदर देखिए अंदर भी गिरा हुआ है, क्योंकि उनको ना अंदर से एसी और सिपलेट दोनों उतारने पड़े थे अंदर बाहर से, तो अंदर भी कुछ गिरा हुआ है, ये भी साफ़ सफाई करेंगे इधर भी।
अभी ना मैंने एक और कपड़ों की मशीन लोड की है। ये देखिए ये वाला बास्केट ना भर गया था पूरा। अभी ना मैं बेटे का बास्केट फिर से चेक करती हूँ कि उसमें और कोई कपड़ा तो नहीं है। चले आई मेरे साथ आप सब भी। यहाँ से ना मैंने लॉन्ड्री का बास्केट सुबह सुबह लिया था और उसको ना मैंने पूरा क्लीन कर दिया था। और जो है ना इतनी देर में और इतनी देखा, अब कैसे ना रोज रोज कपड़े धोए। मेरे घर में तो ऐसा चलेगा ही नहीं कि रोजाना कपड़े ना धुले, मतलब दिन में दो बार धोने ही धोने हैं। इसमें से ना थोड़ा सा कलर निकलता है, इसको अलग से धोएंगे और बाकी ठीक है। इनको रख देते हैं आधा घंटा जैसा ना, उसके बाद फिर इनको धोते हैं। ये कुछ घर का सामान ख़त्म हो गया था तो इसको भी हमने जो है ना ऑर्डर कर लिया है। अब मैं सारे बॉक्सेस या अलमेरा वगैरह में ना इसको भर के रख दूँगी। ये जी बिस्किट्स कुछ ख़त्म हो गए थे तो वो भी लेके आए हैं। अब मैं इनको रख रही हूँ इस कंटेनर में, तो ये कुछ खुले हुए हैं उनको ऊपर ही रखते हैं। कुछ है ये होममेड कुकीज़ और ये भी अच्छी मज़ेदार होती हैं। बाकी कुकीज़ जो है ना उनको रख देते हैं वहाँ पे अलमारी में। दोनों बेटियाँ जो है ना अपनी स्टडी कर रही हैं। बच्चों के कलर शीट्स हैं ये, तो उनको दे देती हूँ। अच्छा तो यहाँ पे ना देखें ये एक और गमला है बड़ा सा, तो इसमें भी मुझे अभी लाना है नर्सरी से इसके लिए प्लांट लेके आऊँगी। तो ये गमला जो है ना बड़ा सा है तो इसके लिए ना बड़ा सा प्लांट एक लाना पड़ेगा। ये लो आप लोगों की शीट्स भी आ गई कलर वाली। आज हम बना रहे हैं चिकन बारबेक्यू और उसके लिए जो है ना हमने लिए है 4 चिकन और उसके देखिए ये जो इतने बड़े बड़े पीसेस किए हैं और इसको जो है ना वॉश करके रख दिया है अच्छी तरह से। अब जो है ना मैं इसमें लगाऊंगी कट, एक कट यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ ऐसे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और इसको हमने जो है ना मसाले लगा के रखने, मतलब मैरिनेशन में रखना है 2-4-5 घंटे। अगर टाइम है तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, तो मैं तो 4-5 घंटे रखूँगी इसमें मसाले लगा के, फिर फ्रिज में रख दूँगी। नहीं मैं कर रही हूँ, क्या हो गया? मेरा ना अचानक से कैमरा बंद हो गया था, तो इसमें मैं ना ये देखिए दही डाल चुकी हूँ और दही मैंने लगभग लिया है 200 ग्राम। और इसमें मैंने डाला है चिकन तंदूरी मसाला पूरा एक भर के पैकेट, जैसे
टेबल स्पून चार डाले हैं। अब मैं इसमें डालूंगी और बाकी मसाले। बहुत सारे भाई बहन मेरे से पूछते रहते हैं कि आप कौन सा बिरयानी मसाला या फिर आप कौन सा तंदूरी मसाला या टिक्का मसाला या फिर फ़िश मसाला, फ़िश टिक्का मसाला, फ़िश फ्राइड मसाला कौन सा इस्तेमाल करती हैं। तो ना मैं जितने मसाले मैं यूज़ करती हूँ ना हर एक अलग अलग प्रेपरेशंस में, तो उसमें मैं जो है ना तो ये शान का ही इस्तेमाल करती हूँ। मतलब शान के जो मसाले हैं ना, इसमें टिकाज फिश का, मतलब मटन करी का, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, सिंधी बिरयानी, मतलब हर एक बिरयानी का मसाला मिलेगा, हर एक प्रेपरेशन का मसाला मिलेगा। तो इसके मसाले ना काफ़ी अच्छे होते हैं, फ्रेश फ्रेश होते हैं, मतलब तो मैं हमेशा यही इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने सोचा एक पैकेट तो मैंने डाला लगभग चार टेबलस्पून। अब इसमें ना दो टेबलस्पून जैसे है ना मैंने पहले इस्तेमाल किए थे और दो टेबलस्पून इसमें बचे हैं, तो सोचा ये भी जो आधा रह गया है इसको भी इस्तेमाल करूं। तो लेफ्ट मसालों को ना जल्दी जल्दी हफ्ते भर या डेढ़ हफ्ते में ना जल्दी जल्दी इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो इनमें ना वो काले से कीड़े हो जाते हैं। तो जो भी आपको प्रिपरेशन बनानी हो तो उसमें जो है ना आप उसको जल्दी इस्तेमाल करें। यह है कश्मीरी लाल मिर्च जो सिर्फ कलर के लिए है, ये मैं डालूंगी भर के तीन टेबलस्पून। तो ये सिर्फ कलर देती हैं, इसमें कोई भी वो तीखापन नहीं है। हल्दी हाफ टी स्पून, तो इससे ना थोड़ा सा कलर आएगा। अच्छा, तो नमक मैं डाल रही हूँ वन टेबलस्पून भर के, क्योंकि जो हमने शान का तंदूरी मसाला डाला ना उसमें भी काफ़ी सारा नमक होता है, तो इस वजह से ना नमक में सोच समझ के डालती हूँ। बाद में मैं चेक करूँगी अगर कम बेसी लगा तो। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैं बना के रखती हूँ फ्रिज में, तो कम से कम 10-12 दिन जो है ना मेरा ये आराम से चलता है। और ये मैं डालूँगी भर के 3 से 4 टेबलस्पून। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, ये मैं 1 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ। ये डाल रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून, मतलब 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम जीरा पाउडर। ये मैं डाल रही हूँ सेम शान का ही गरम मसाला 1 टेबलस्पून भर के। जिंजर पाउडर जो देखें ये मैं डाल रही हूँ 3 से 4 पिंच। हरी इलायची, काली इलायची के सीड्स निकाल के मैंने क्रश किया, साथ में मैंने ना दालचीनी का एक टुकड़ा भी इसके साथ क्रश किया था। तो ये मैंने ना इस छोटी सी बोतल में डाल के रखा हुआ है। अच्छा, तो इसमें से ना मैं डाल दूंगी लगभग 1 टीस्पून भर के, इससे ना बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत मज़ेदार। एक व्लॉग में मैंने दिखा भी दिया था कि ये बेसन और मेथी को मैंने जो है ना ड्राई रोस्ट किया था, फिर ठंडा होने के बाद जो है ना मैंने ऐसे ही जो है ना मसाला रेडी कर रही थी चिकन तंदूरी के लिए। तो इसमें से भी मैं जो है ना डाल दूंगी। तो फ़िलहाल तो आज 3 टेबलस्पून इसके इस्तेमाल हो गए हैं, अब लगभग 4-5 टेबलस्पून इसमें और बचे हैं। तो इंशाल्लाह आगे कोई और प्रिपरेशन भी बनाएंगे उसमें इस्तेमाल हो जाएगी। मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, ये देखें। अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने 1 टेबलस्पून डाला। साथ ही मैं डालूंगी इसमें पेपरिका पाउडर, इससे ना बहुत ही अच्छा सा कलर भी आएगा। ये मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के, मतलब। और मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन का ड्राई पाउडर, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून। और इसमें डाल रही हूँ वेजिटेबल ऑयल, और डालूंगी लगभग आधा कप। अब करेंगे हम तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स। मसाला तो देखिए हमने अच्छी तरह से कर दिया मिक्स। अब डाल देंगे इसमें सारा ये चिकन। बर्तन मैंने ना थोड़ा सा बड़ा लिया, इसमें अच्छी तरह से मिक्स भी कर पाए। और फिर चिकन को भी हमने इसी में ही रखना है रेस्ट पे मसालों के साथ मिक्स करके। ये देखिए ये कट्स के अंदर तक जाना चाहिए मसाला, जो भी हमने कट्स लगाए हैं।
सारी चिकन की देखिए मैरिनेशन हो गई है, मसालों में मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको कम से कम 4 घंटे ढक्कन लगा के जो है फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये सारे मसालों के फ्लेवर चिकन के अंदर तक जाए। इनको ना ये मिर्ची के पौधों के साथ लगा रही हूँ, बैंगन के पौधों के साथ। ये गेंदे के फूल है और पॉलिनेशन में ना इनसे काफी मदद हो जाती है सारे प्लांट्स में। बगैर जेड को डिस्टर्ब किए हमने इसको ना बिल्कुल ऐसे निकाला साबुत। अब मैं इसको डाल रही हूँ ऐसे, ये साइडों से भरेंगे इसमें मिट्टी सारी। ये है एक और, इसको भी बिल्कुल एहतियातन निकालेंगे, मतलब जड़े ना डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। ये देखिए एक साइड से थोड़ा सा ना ये थैली को कट मारना है, फिर ऐसे बहुत इजीली निकलता है। ये डाल देंगे इस वाले में, इसको बस रख देना है हमने यहाँ पे आराम से रख दिया। अब डालेंगे साइडों से मिट्टी, ये देखिए। मैं तो ये नर्सरी से लाए हुए प्लांट्स लगा रही थी। वसीम साहब कर रहा है चिकन बारबेक्यू करने की तैयारी, जिसको मैंने मैरिनेशन में रखा था। यहाँ पर मेरे शावल वगैरह रहते हैं, मतलब खून बेल वेल छोटे छोटे। एक यहाँ पे लगा दिया ये लौकी के बेल के साथ, ये है ना टमाटर का पौधा इसके साथ लगाया, ये इस मिर्ची वाले में लगाया है ना, ये मुझे बालकोनी में लगाने हैं अभी। इसको भी अभी नहीं लगाया है, ये देखें इसको भी मुझे ना बालकोनी में लगाना है, फिलहाल इसको यहीं पे रख दिया है। यहाँ पर भी मैंने एक गेंदे का लगा दिया, यहाँ पर भी लगा दिया। इसमें कोई भी पीला पत्ता या किसी में कोई भी कीड़े वगैरह लगे हो ना, वो पत्ते ना मैं जल्दी जल्दी काटती हूँ ताकि जो भी कीड़े हो वो ज़्यादा हमारे इन पौधों पे ना जोर ना हो, इस वजह से मैं साथ साथ ही काट देती हूँ ये पत्ते। यहाँ पर भी ना मैंने ये 3 प्लांट्स लगाए, देखें एक तो वहाँ पे लगाया सीढ़ी पे, और जो हमारी ये दूसरी एंट्री है घर की इस डोर पे लगाया एक, यहाँ पे ये गमला और ये गमला और ये वाले है ना आउटडोर वाले, तो इनको धूप लगना ज़रूरी है। एक मैंने ये यहाँ पे रखा है और एक यहाँ पे, और इनकी भी मैंने जो है ना रिपोर्टिंग की है, और ये स्नेक वाला एक यहाँ पे रख दिया। बाकी बालकोनी वाले देखें ये रहे। ये देखें ये वाली है हमारे बैठक की खिड़की, और यहाँ पे मैंने ये येलो फ्लावर रखा, उसका जो है येलो का ही ये दूसरा किस्म है वाइट, और ये इसी वाइट और येलो का तीसरा किस्म है। और यहाँ पे ये 2 रख दिए। ये जी सजा दिए हैं सारे गमले छोटे बड़े, मेरे पास ये छोटे वाले गमले नहीं थे, फिर हम जो है ना ये गमले लेके आए थे। देखिए
इनमें ना ये छोटे छोटे प्लांट्स और फ्लावर्स रहते हैं छोटे वाले गमलों में। वो हैंगिंग वाले पॉट हैं, उनमें जो है ना ये वाले वो फ्लावर्स हैं जो अक्टूबर से लेके मार्च तक रहते हैं। इसके बाद ना ये फिर गर्मी से सूख जाएंगे, बस ये विंटर वाले हैं ये फ्लावर्स सारे। उसके बाद में समर वाले फिर लेके आऊँगी इंशाल्लाह। ये देखिए अभी तक ना अंगीठी को सेट कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली अंगीठी ना नई लेके आए थे, पुरानी अंगीठी ना एकदम ख़त्म हो गई थी जल जल के बारबेक्यूज़ वगैरह कर करके, तो इसलिए ये ना नई लेके आए थे कुछ दिन पहले। तो अभी इसको सेटिंग करके फिर अंगीठी में हम कोले डाल के ना इसको चमकाएंगे, तो फिर हम करेंगे चिकन बारबेक्यू रेडी। अभी देखिए मोहम्मद आरिज और वसीम साहब ना कर रहे हैं इसको सेट। अब किचन में वसीम साहब और मोहम्मद आरिज कर रहे हैं अंगीठी जलाने की तैयारी, और मेरे पास जो है ना दो कलर के बंद गोभी हैं, एक है पर्पल कलर का और एक ग्रीन। मैं बनाऊंगी इससे ना बहुत ही मजेदार सैलेड, और उसमें मैं डालूंगी क्रीम, काली मिर्च, नमक बिल्कुल नहीं जाएगा, और डालूंगी उसमें मेयो, और बहुत ही मजा आएगा, बहुत मजेदार बनती है। वैसे पहले भी मैंने ना एक वीडियो में शेयर की है आप सबके साथ इसका सलाद जो है ना हम कैसे बनाएंगे, बहुत मजेदार यम्मी सा। वाह, ये देखे चिकन बारबेक्यू हो रहा है बहुत मजेदार, और मैरिनेशन तो इतनी अच्छी की थी मैंने इसको बहुत सारे मसालों के साथ, बनेगा तो बहुत ही तेज मजेदार। हम लोग पागल हैं जिन्होंने ये बनाया, सब कुछ किया, हम लोग बेवकूफ थे बैठे हुए। सारा क्रेडिट मेरा है, क्योंकि मैरिनेशन अच्छी हो ना, मसाले अच्छे से डाले हो, सारा क्रेडिट मेरा है क्योंकि मैं चिकन लाया हूं। मसाले अच्छे से डाले हो तो फिर बारबेक्यू भी अच्छा बनता है, और क्या कहते हैं तंदूर, तंदूर हाँ तंदूर भी अच्छा होता है। चलो। इसकी कितनी अच्छी शेल्फ दी हुई है, तो पकाने के बाद इस पे रख सकते हैं, तो गर्म भी रहेगा जब तक बाकी रेडी होगा ऐसे। वाह मजा आ रहा है बारबेक्यू सूंघने में। अभी ना मैं एक से डेढ़ घंटे बाद निकली हूँ, लगे हैं दोनों बाप बेटे। कभी कभी मैं अंदर करती हूँ गैस तंदूर पे या इलेक्ट्रिक तंदूर पे, कभी कभी हस्बैंड करते हैं यहाँ पे ना अंगीठी पे रेडी चिकन। आखिर देखो मसाले अंदर तक गए हैं बिल्कुल चिकन के, उसके बाद फिर चिकन पकाना भी एक कला है, अंदर तक ना पकना चाहिए चिकन, और जूसी जूसी भी रहना चाहिए। मेरी हालत खराब हो जाती है, पापा का हाथ जल गया। हाँ कैसे देखने बच्चा यार, देखिए कितना जूसी जूसी बना है, बहुत जूसी है। मोहम्मद आरिज लगा रहे हैं अब इस पे बटर, एंड में बनाते हुए सबसे मुश्किल चीज़ होती है खुद ना खा जाओ सारा सच कह रहा हूँ। हाँ सही बात है, हम माएँ भी कितना कुछ पकाती हैं, कितनी डिशेस पकाती हैं, लेकिन ना खुद नमक तक चेक नहीं करते हैं, इसलिए कि भाई पहले पूरा परिवार खाए, बच्चे खाए, छोटे बड़े घर के बुजुर्ग छोटे बड़े सब खाए, तब जाके ना हम भी खाएंगे सबको सर्व करने के बाद। तो ये ना हम माओं का किस्सा है। ये सबसे ज़्यादा सब्जियां इसकी जो हम करते हैं ना तंदूर, ये देखिए ये इसमें मैंने दो जुकीनी डाली हैं काट के, और एक लाल शिमला मिर्च और एक पीला शिमला मिर्च, दो हरी शिमला मिर्च, मशरूम एक ही पैकेट मिला था,
तो ये तंदूर करके ना बहुत ही मज़ेदार बनता है। यहाँ पे ना इसको हस्बैंड करेगा तंदूर, फिर अंदर जाके तड़का लगाऊंगी लहसुन चॉप किया हुआ, हरी मिर्च चॉप की हुई और जीरे का, बस हल्का सा उसमें ना मैं इसको फ्राई करूंगी और बहुत मज़ेदार बनती हैं ये वेजिटेबल्स। चिकन से ज़्यादा जो है ना ये सब्ज़ियाँ खाने में मज़ा आता है, बहुत मज़ेदार। ये देखो मोहम्मद आरिज ने ना पैक कर दिया इसको बटर लगा के, अब मैं इसको रखती हूँ अंदर। आप सभी को मेरे लाए हुए प्लांट्स और कुछ फ्लावर्स कैसे लगे कमेंट इसमें ज़रूर बताएं, और कैसा दिख रहा है वो भी ज़रूर बताएं। आप सभी मेरी प्यारी YouTube फैमिली का देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सभी माओं का देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। और अल्लाह ताला आप सब की हिफाजत करे हर जगह पे, ये दुनिया और आखिरत की दुनिया हमारे लिए और आप सब के लिए आसान और बेहतरीन फरमाए, आमीन। जो भी भाई बहन चाहते हैं मैं उनका नाम अपने ब्लॉग में लूँ तो वो कमेंट इसमें ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह आगे के आने वाले वीडियो में उनका नाम ज़रूर लूँगी। अगर कोई हमारी चैनल पे नया है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।